So, dear students, today we are going to start a new chapter, that is Laws of Motion. This chapter is also called Dynamics. So, what we study in Laws of Motion, we study about force. Here we study about force. And what is force? Force is the cause for change in motion. Force is the physical quantity that can bring change in the motion of any body or it can change the size of a body. Okay, तो फोर्स अभी तक बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. तो पुश एंड पुल आर द टू टाइप्स ऑफ क्वालिटीज, टू टाइप्स. यानी कि कोई भी फोर्स होगा उसका नेचर पुश करने का होगा या पुल करने का होगा, है ना. तो इसको कहते हैं जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है. अगर मैं फोर्स यूं लगा रहा हूं, ओके, इधर फोर्स लगा रहे हैं, यूं इसको धक्का दे रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा? मान लो थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखाता हूं, ज्यादा बेटर होगा. और ऑब्जेक्ट बड़ा दिखा दीजिए, लाइक दिस, ग्राउंड पे रख दीजिए. बंदा है, ये इसको इनफ फोर्स लगा रहा है. This is the force is a vector quantity. You all know that force is a vector quantity. तो ये force लगा रहा है. Force किधर लग रहा है? Force इस direction में लगता है, है ना? Like this, it's pushing. तो इसको आप कहते हैं push. और दूसरा example आप देख लो. Suppose कर लो इसमें एक thread है, ये कोई बंदा है, ये इसको पकड़ के इधर खींच रहा है. तो इस वक्त फोर्स इस पे इधर लगेगा, है ना, इधर लगेगा फोर्स. सो दिस टाइम ऑफ फोर्स इज लाइक दिस, कि स्ट्रिंग से पकड़ के इसको खींच रहा है, ऐसे मान लो खींच रहा है. और यहां आप देखो तो ये धक्का लगा रहा है, लाइक दिस. तो हियर इट इज पुल. ओके, तो किसी चीज को अगर आप खींचते हैं दैट इज कॉल्ड, और दूर अपने से दूर धक्का देते हैं दैट इज कॉल्ड पुश, है ना. तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, बट दैट इज नॉट द सफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. सो व्हाट वी कैन से अबाउट द फोर्स? Force is the physical quantity. What is the force definition? Force is the physical quantity
दैट कैन ब्रिंग चेंज इन द मोशन ऑफ एनी बॉडी, है ना। फोर्स किसी भी बॉडी के मोशन में चेंज ला सकता है। मोशन में कैसे चेंज आएगा बेटा? मोशन में चेंज आएगा वेलोसिटी को चेंज करने पे। और वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं आप? आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और बाय चेंजिंग बोथ। पता है ना वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? बताइए सौरभ, आपको पता है व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज द वेलोसिटी? स्केलर और वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को चेंज करना चाहते हो तो किसी भी वेक्टर को आप चेंज कैसे कर सकते? वेक्टर को चेंज करने के लिए आपको या मैग्नीट्यूड को चेंज करना होगा, या वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, या फिर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करेंगे तो वेक्टर में चेंज आएगा। इज दैट? सो बेसिकली इन ऑर्डर टू चेंज अ वेक्टर यू कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और यू कैन चेंज, ओके। सो इन दिस वे यू कैन चेंज अ वेक्टर। तो फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो आप देखोगे और वेलोसिटी भी जो है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो इन ऑर्डर टू चेंज वेलोसिटी यू नीड फोर्स। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में जब चेंज करोगे तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होगा व्हेन द वेलोसिटी विल चेंज, इट विल कॉज एक्सेलरेशन। एंड हाउ यू गेट एक्सेलरेशन? इन ऑर्डर टू गेट एक्सेलरेशन यू नीड फोर्स। दैट इज इन ऑर्डर टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी यू नीड फोर्स। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज रिटन फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी that can bring change. Here force is the physical quantity that can bring change in the motion of any body, that can bring change in the motion of any body, or it can change the shape and size of a body also. Force can change the shape and size of the body also. ye baat samajh rahe ho? क्या आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फोर्स आप किसी बॉडी का शेप साइज कैसे चेंज कर सकता है? डू यू हैव सम एग्जाम्पल ऑफ दैट? रबर बैंड को खींचने से, इलास्टिक फोर्स। हाँ बेटा, रबर बैंड को खींचने से, रबर बैंड को खींचने से, है ना, शेप साइज भी चेंज होता है रबर बैंड को खींचने से। बॉल है, रबर बॉल है, रबर का बॉल, उसको दबाइएगा तो भी चेंज होगा। हाँ, वाला बॉल रहता है ना, वो भी पंच वाला जो बॉल होता है ना, दबाते तो उसका साइज चेंज होता है। सो यू कैन गिव मेनी सच एग्जांपल, है ना। अब जैसे कोई बॉल है, वो बॉल जाकर किसी मडी, जो मड वगैरह होगा, गीला मड होगा, वैसे ग्राउंड पे जाके टकराएगा बॉल तो क्या होगा? या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो मड का शेप और साइज जो है वो ग्राउंड का शेप और साइज चेंज हो जाएगा, है ना। आटा, आटा देख सकते हो, आटा जो है वो आपका जो है बिल्कुल स्पंज होता है। सो आटे को अगर आप एक बार ऐसे पंच करोगे तो उसमें आपके पंच का निशान आ जाएगा, शेप साइज चेंज हो जाएगा। दैट बेसिकली द शेप एंड साइज कैन चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और मोशन ऑफ अ बॉडी कैन चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल जो चेंज प्रोड्यूस कर सकता है, किसमें? मोशन में या बॉडी के शेप साइज, बॉडी के शेप साइज। तो वो चीज है। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द एंड फोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, पुश और, है ना। चल नोट कर लीजिए इसको। करो बेटा। हाँ बोलो। लेकिन जैसे हम दीवार पे फोर्स लगाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, तब भी उसे फोर्स क्यों कहेंगे? नहीं, वहां भी होता है, है ना, हम लोग को होता है उस समय, है ना, वहां भी होता है, दीवार को भी होता है, पर दीवार रिजिड है तो उसका शेप साइज उतना चेंज नहीं होगा। आप अपने नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं, है ना, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। आपने दीवार पे पंच किया, लाइक दिस यू पंच इन द वॉल, जोर से पंच किया, भले आपका हाथ दर्द होगा, हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए, बट दीवार पे भी असर पड़ेगा। क्या दीवार का एक मॉलिक्यूल भी नहीं हिला होगा?
बोलो क्या दीवार का एक मॉलिक्यूल हिला होगा या डैमेज नहीं हुआ होगा? हिला होगा वो रिजिड है बेटा, वो भी तो मोशन है, वो भी तो चेंज हुआ। हाँ वो चेंज अपने नॉर्मल आईज से नहीं विजुलाइज कर सकते। हाँ अब दीवार पे आप हैमर लीजिए और हैमर से दीवार पे मार के देखिए, ज्यादा फोर्स लगाइए, आपका नॉर्मल हाथ, आपका जो हाथ है जैसे पंच है, आपका पंच इस पर उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, ये टूट जाए। और वही मैं एक मोटा सा हैमर लेकर के इसमें मारूंगा टक, तो क्या होगा? अच्छा खासा इफेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा इफेक्ट? Yes. तो क्या वो हैमर जितना फोर्स लगाया वो हैमर के बराबर आपका ये हैंड फोर्स तो नहीं लगाएगा ना? दैट्स व्हाई उसमें चेंज लाने के लिए, उसके सेफ साइट में एप्रिसिएबल चेंज लाने के लिए, ज्यादा चेंज लाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है ना? उतना फोर्स अगर आप लगा पाए तो आप चेंज क्रिएट कर देंगे। हैमर की जगह आप क्रेन ले आइए, क्रेन से दीवार देखिए, दीवार का पूरा सेफ चेंज हो जाएगा, है ना? क्यों सुजल? But you cannot apply the force like a crane. एक हाथी आ जाए एकदम ताजा, मोटा ताजा तगड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग हाथी, एलिफेंट आ जाए, वो एलिफेंट दो चार टक्कर मारेगा तो दीवार टूट सकता है, आपके टक्कर मारने से नहीं टूटेगा, because elephant can apply more force, है ना? He has more strength. That you have not that much strength, so you cannot break that. Okay. अब दूसरा चीज, आप कोई कार्डबोर्ड ले लो, है ना, कोई कार्टून ले लो, कार्टून के वॉल्स पे आप पंच करिए, कार्टून का वॉल टूट जाएगा। लेकिन कार्टून के वॉल पे अगर आपको एक चींटी या इंसेक्ट जाकर के पंच करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसके लिए वो वॉल एकदम लोहे के जैसा है ना? तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये चीज है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। फोर्स लगाने पे हर एक चीज में चेंज आएगा, पर हर एक चीज में अलग अलग फोर्स लगाने पे चेंज, है ना? ओके समझे? एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़ने के लिए आपको कम फोर्स लगाना होगा, पर एक मेटल रॉड को तोड़ने के लिए, सरिया को तोड़ने के लिए जो है ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है। बोलिए। और मेटल रॉड छोड़ो, अगर एक लोहे का पिलर है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है, क्रेन से भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है, समझे? तो वही चीज है। तो बेसिकली आप बात किस चीज की कर रहे हैं, क्या उस पे उस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है। Every force cannot bring the change, है ना? Every force cannot bring the appreciable or large amount of change. Okay, बेटा? चल, समझ गया? Force value क्या है, magnitude क्या है, उस पर भी depend करेगा। चलो, हो गया? Noted? Yes. आगे बढ़ते हैं। सो वी नो नाउ व्हाट इज सर। हाँ बोलो। अभी रब मत करना, ऊपर का लिखा था। हाँ लिख लिया था। चलो ठीक है, थोड़ा पहले बताया करो। हो गया। आ जाओ बेटा, देखो तो यहां ध्यान दीजिए। सो वी नो व्हाट इज फोर्स, नाउ वी विल नो नेट फोर्स। नेट फोर्स
नेट फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम। Vector sum of all the forces acting on a body is called net. Okay? तो net force का मतलब हुआ vector sum. आप x, y, z component में अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पता है ना, x का motion x पे depend करता है, y का motion y पे depend करता है, motion z component पे depend करता है. तो basically अगर हमें force में निकालना है तो हम force के भी x, y और z components अलग अलग कैलकुलेट करके x में सभी का एक साथ एडिशन, y में एक साथ, z में एक साथ कर सकते हैं. तो इस तरह की बातों को ध्यान रखना है. वेक्टर की तरह फोर्स को ऐड करना, बिकॉज फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स. जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं. ओके जैसे मान लो एक फोर्स इधर लग गया नॉर्मल, नॉर्मल लग गया, एक आप इधर लगा दो, एक इस पे इसका ग्रेविटी भी लगेगा तो mg लगेगा. mg mg का डायरेक्शन देखो, जिधर जो फोर्स लगेगा उधर ही दिखाते हैं. नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल का मतलब होता है जो ग्राउंड सरफेस कांटेक्ट जो फोर्स लगाता है ना, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे तो जानेंगे. तो यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे. नॉर्मल फोर्स जो है, फोर्स अप्लाइड, डिटेल में इस पे डिस्कशन होगा, बाय ग्राउंड द जरूरी नहीं ग्राउंड, मैं यूं खड़ा हूं लाइक दिस, तो मेरे हाथ और बोर्ड के बीच में लगने वाला फोर्स भी कैसा फोर्स है? ये नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स है. नॉर्मल मतलब हो गया, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर. तो जो बोर्ड का सरफेस है, अपने सरफेस के परपेंडिकुलर मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है. मतलब सर, कोई भी फोर्स अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. कोई भी फोर्स नहीं, सरफेस के द्वारा लग रहा है तो. अच्छा, है ना. अब यहाँ है, देखो मार्कर लगा रहा है ऐसे फोर्स, तो मार्कर अगर मेरे हाथ के सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रहा है तो ये फोर्स नॉर्मल तो नहीं होगा, ये तो अलग फोर्स हो गया ना. समझा? यस सर. हाँ, सरफेस के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. द फोर्स अप्लाइड बाय द, या फोर्स एक्टिंग बिटवीन, ऐसे लिख लो ज्यादा बेटर है. द फोर्स कौन लगा रहा है फोर्स? दोनों लगा रहा है. दोनों कौन लगा रही है? ग्रेविटी आपके हाथ पे लगा रही है. ग्रेविटी कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ या अर्थ लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है. और कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी के कारण ये गिर जाता है, देखो गिर रहा है. मस्कुलर फोर्स लग रहा है आपके हाथ से. फोर्स लगाया है बुक. बुक को टच कर रहा है मेरा हाथ, तो बुक पे फोर्स लगा रहा है. बुक लगा रहा है डस्टर से, क्या मतलब है? ये तो हवा है ना. अगर मान लो मैं टेबल तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, है ना. मान लो यहाँ पे एक टेबल है, ये मेरा हाथ की जगह टेबल है. अब बताओ मेरे हाथ की जगह टेबल फोर्स डस्टर पे? नहीं सर, बुक ही लगा रहा है. टेबल बुक पे लगा रहा है, बुक और इस पे लगा रहा है डस्टर. मैं पूछ रहा हूँ डस्टर पे कौन लगा रहा है? बुक. बुक लगा रहा है ना. अर्थ लगा रहे हैं. अर्थ कैसे लगा रहा है? अर्थ तो लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है. ग्रेविटी बेटा,
अर्थ के तो कांटेक्ट में ही नहीं है ये, अर्थ तो सिर्फ तक आ रहा है एमजी, उसके अलावा एमजी को रोकने वाला जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो कौन लगा रहा है इस पे? बुक लगा रहा है, बुक लगा रहा है, बुक लगा रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर की ओर अर्थ थोड़ी लगा रहा है, बुक लगा रहा है, समझा? वो चीज है, तो बुक लगा रहा है ना फोर्स, तो जो जिसके कॉन्टेक्ट में होगा वही ना लगाएगा फोर्स, समझे? ये चीज है। सो कंपोनेंट, पहले समझो इसको, कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एयर, एक मिनट बेटा, एक चीज पूरा कर दें, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, एक्टिंग बिटवीन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। आप बोलो सर, अगर मान लीजिए कि बुक फोर्स नहीं लगाएगा, हाँ, तो क्या होगा? बुक फोर्स नहीं लगाएगा तो क्या होगा? मतलब मान लीजिए कि नहीं लगाएगा तो क्या होगा, वही पूछ, मतलब कैसे नहीं लगाएगा? अगर आपने इसको इस पे रखा है तो लगाएगा, है ना? यस सर, अगर आपने इसको इसके ऊपर रखा है, नहीं रखोगे तो नहीं लगाएगा, है ना? पॉसिबल, बोलो, अगर आप इसको बुक पे नहीं रखते तो नहीं लगाता फोर्स, लेकिन अगर आप बुक करोगे तो लगाएगा। हाँ बोलो सर, ये वही हो गया क्या, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंगल, तो डिस्टेंस 9.8 मतलब वो ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है तो बुक उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है, आपको एक्शन रिएक्शन क्या होता है इसीलिए आप जो बता रहे हैं, एक्शन रिएक्शन यहाँ आएगा, लेकिन जो आपने एग्जांपल दिया वो गलत है, वो एक्शन रिएक्शन है ना, उस पे हम लोग आएंगे अभी। चलिए इसको पहले नोट कर लो आप जल्दी से, है ना, एक्शन किसको कहते हैं, रिएक्शन किसको कहते हैं, ये आप लोग को बिल्कुल नहीं पता है, तो उस पे मैं अभी चर्चा करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? अगर कुछ भी आपके मन में है, कहीं से भी अगर आपने एक्शन रिएक्शन के बारे में कुछ पढ़ा है तो अपने मन से निकाल लो, ठीक है? 100% चांस होगा कि वो गलत है, इसीलिए उसको दिमाग में मत रखो। चलो बेटा, नोट कर लिया? एक मिनट सर। हाँ कर लिया। सर, हाँ जी, फोर्स हमेशा सेंटर से देखा जाता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, फोर्स आ जाता है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आप बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, किसी भी बॉडी को कैसा मानेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान के चलेंगे अगले चैप्टर तक, है ना, उसके बाद आप बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ अभी तक आप जितनी भी बॉडी काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी में, बॉडी को लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, तो इसीलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे मानते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पर। ये सेंटर ऑफ मास जब चैप्टर आएगा तब यहाँ से वेरी करेगा, तब तक के लिए आप बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सेंटर से दिखाएंगे, ठीक है बेटा, समझा? Yes, sir. हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों मानते हैं, ये सारा चीज हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, क्योंकि जब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे तभी से आप वहां से समझना शुरू करेंगे, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो। तो वो हम लोग सेंटर ऑफ मास से पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप ये मन में रखिए कि आप पॉइंट कर रहे हैं, कुछ भी बोला जाए, कार बोला जाए, ट्रक बोला जाए, ट्रेन बोला जाए, आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलना है। लेंथ की बात होगी तो काइनेमेटिक्स में लेंथ वगैरह वो मान ले, मोशन के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही लेके चलते हैं, फोर्स वगैरह देखने के लिए। हो गया, नोटेड डाउन? यस।
हाँ, इस पर अभी हम लोग बहुत आगे चल के अभी बात करेंगे, काफी बात करेंगे नॉर्मल पे, अभी बस मैं समझा रहा था। देखो तो नेट फोर्स का ये मतलब हुआ, जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है उस पर दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है मान लो 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है मान लो 20 न्यूटन, समझा? और ये मान लो 60 डिग्री है, ये एंगल 60, सो फाइंड मान लो पॉइंट पे लग रहा है, पी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एट पी, करो इसको। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक्सिस शोन इन फिगर फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स। देखो बच्चों, मैंने पहले ही कहा था वेक्टर का पूरा यूज होगा, है ना? वेक्टर का कंपोनेंट का इस चैप्टर में पूरा यूज होगा, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, वेक्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, चलिए करो, कम ऑन। एक्स और वाई एक्सिस मैं दिखा देता हूं, आई विल शो यू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, चलिए आप यहां से भी दिखा सकते हैं, इधर हो गया एक्स एक्सिस और इधर डॉट दिखा दो इसे वाई एक्सिस। सौरभ, हाँ क्या बोल रहे हो पीयूष? पहला का आंसर 401 है, 401 न्यूटन। 401 कैसे हो जाएगा? 10-20 है ही बेटा, आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होता है, मिनिमम ए माइनस बी होता है, 400 कहां से चला जाएगा? 10√3 होगा। नहीं सर बेटा, इतनी जल्दीबाजी में गलती मत करो, एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगा, इतनी जल्दीबाजी मत करिए, वेक्टर में गड़बड़ कर रहे हो, देख लो वाला उससे। हाँ बोलो सुजल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 10√3? चलिए चेक करते हैं। मयंक, किया बेटा? ये दूसरा नंबर हो गया, ये पहला हो गया इसी क्वेश्चन के लिए। मयंक सर, कितना आएगा पहला का आंसर? 10√3 सर। 10√3 आ रहा है। तो देखो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, देख लीजिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री का सर। 120, हाँ 120 डिग्री। देखो ट्राइगोनोमेट्री भी पढ़ रहे हो अब, जल्दीबाजी में इसको फटाफट जल्दी जल्दी किया करो। 120 टू पाई बाई थ्री, तो 120 डिग्री पर है, तो इन दोनों वेक्टर का सम करना है, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे, सो दैट यू विल गेट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 cos 180 डिग्री। F1 स्क्वायर, F1 इज 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 400 प्लस 2 × 10 × 20, 10 × 20 × cos 120 इज -1/2, वैल्यू याद कर लीजिए टेबल से, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा
500 माइनस 200, 500 माइनस 200 का रूट डेट इज 300, डेट इज 10 रूट 3 न्यूटन आ जाएगा. क्लियर? सो 10 रूट 3 न्यूटन. इफ यू डू इट इन आई कैप जे कैप, तो वेक्टर को लिखिए, एफ वन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एफ वन 60 डिग्री बना रहा है, इधर कितना बनेगा 30 डिग्री, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस वाई क्या हो जाएगा 10 साइन 60 या कॉस 30 कर दो, कॉस 30 डिग्री जे कैप न्यूटन ऐसे लिख लो, प्लस 10 कॉस 30 डिग्री जे कैप न्यूटन, कॉस 60 1 बाई 2 होता है, तो 5 आई कैप प्लस रूट 3 बाई 2, तो 5 रूट 3 जे न्यूटन. एनी डाउट? बोलो बेटा. कोई दिक्कत बेटे? नो सर. ये हो गया. अच्छा F2 को क्या लिखोगे? F2 व्हाट इज F2? I कैप J कैप माइनस 20 इन I कैप होगा सर. माइनस 20 न्यूटन आई कैप या माइनस 20 आई कैप न्यूटन. सौरभ क्लियर बेटे? यस सर. कंपोनेंट देखो बेटा हर जगह कहां है, इस वेक्टर पे एफर्ट लगाइए करिए. सुनो, तो एफ वन हो गया, एफ टू हो गया, देयरफॉर एफ वन प्लस एफ टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ वन प्लस एफ टू दैट विल बी दोनों को ऐड आई कैप के साथ, तो 5 माइनस 20 दैट इज माइनस 15 आई कैप प्लस 5 रूट 3 जे कैप न्यूटन. तो ये हो गया नेट फोर्स, इसी को आप नेट फोर्स कह दो, एफ नेट है ना. तो एफ नेट का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ नेट का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा माइनस 15, वैल्यू का हो गया तो 15 हो गया, एंड एफ नेट का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 रूट 3 न्यूटन. क्लियर है? कम ऑन, इज इट क्लियर? यस सर. हाँ चलो इसको कर लो. अर्पित क्लियर है बेटे? यस सर. सचिन इज दिस ओके? चलिए कम ऑन डू इट फास्ट. हो गया? हो गया बेटे? यस सर. आइए आगे बढ़ते हैं.
Now let's talk about system and surrounding. ये जानना बहुत जरूरी है. System and surrounding. क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, फोर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद आप जानेंगे कि एक्शन रिएक्शन वगैरह क्या होता है ना. सिस्टम और सराउंडिंग बहुत आसान सा चीज है बेटा, याद रखना है, हर जगह काम आता है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो हर जगह काम आता है सिस्टम सराउंडिंग. तो सिस्टम किसको कहते हैं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हम मोशन की बात कर रहे हैं, व्हिच मोशन इज स्टडीड इज कॉल्ड सिस्टम, है ना, पार्ट ऑफ यूनिवर्स. जैसे कि मान लो ये डस्टर है, क्या ये डस्टर यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं है? है सर, है ना, यूनिवर्स से बाहर यूनिवर्स का ही पार्ट yes, है. yes, तो अगर मैं इस डस्टर को, डस्टर के मोशन को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये मेरा डस्टर कहलाएगा, सिस्टम, सिस्टम कहलाएगा. और सिस्टम को छोड़कर इंटायर यूनिवर्स क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, है ना. तो सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, द part of the universe apart from system is called surrounding. The part of the universe apart from the system is called सराउंडिंग. तो यूनिवर्स का पार्ट, सराउंडिंग भी यूनिवर्स का ही पार्ट है. तो इंटायर यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि सिस्टम के अलावा है, उसको आप क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे. अब मान लीजिए अगर आपने डस्टर को और मुझे, डस्टर को और मुझे अपने टीचर को एक सिस्टम मान लिया, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ सिस्टम, डस्टर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, इट मीन्स कि हम दोनों को, सॉरी, डस्टर एंड आई बोथ आर कंसिडर्ड एज सिस्टम. So then Duster and I am are part of system. हम दोनों मिलकर के एक सिस्टम हो गए, और हम दोनों को छोड़कर बाकी यूनिवर्स सराउंडिंग हो जाएगा, है ना बेटा. यस सर. तो सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डस्टर लिए तो डस्टर ही ले सकते हैं. मान लीजिए आपने अर्थ को, पूरे अर्थ को सिस्टम मान लिया. सो अर्थ को अगर आप सिस्टम मान रहे हैं, तो अर्थ को, अर्थ का एटमोस्फेयर, इसको छोड़ करके कुछ क्या होगा, सराउंडिंग हो जाएगा, है ना, वो चीज है. अगर आपने सोलर सिस्टम को सिस्टम मान लिया, तो सोलर सिस्टम को छोड़कर सन और प्लैनेट्स, मून्स, इन सब को, बाकी जितना भी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको अगर हमने सिस्टम मान लिया, तो उसके अलावा जो सब कुछ होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग, है ना, वो चीज. अगर आपने एक हाइड्रोजन के एटम को सिस्टम मान लिया है, तो हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो सिस्टम हो जाएगा, और जो इंटायर यूनिवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा. सराउंडिंग आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है? यस सर, जी सर. अब मेरे बच्चों बताओ कि सिस्टम और सराउंडिंग कैसे हम समझेंगे कि क्या सिस्टम क्या है सराउंडिंग. तो कभी कभी तो क्वेश्चन में दिया रहता है, एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ लिखा रहता है किसको सिस्टम मानना है, किसको सराउंडिंग मानना है. सिस्टम दे दिया तो सराउंडिंग खुद ही समझ में आ गया. उसके अलावा जो कुछ भी है सिस्टम के अलावा, जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है. Whatever is apart from system, that is surrounding. लेकिन अगर mostly हम देखेंगे system और surrounding नहीं लिखा होता है, then who decides the system in surrounding? Who decides the system in surrounding? हम ही decide करेंगे. Problem solver जो होंगे हम decide करेंगे. Problem solve करते समय हम अपने requirement के हिसाब से system और surrounding को decide करेंगे, जैसे आप frame of reference decide करते हैं, है ना बेटे. So problem solver decides the system surrounding. In most of the cases, in most of the problems, questions, we problem solver decides the system surrounding. Is that clear? बोलिए. तो
जल्दी से नोट कर लो क्या होता है सिस्टम सराउंडिंग, जल्दी से नोट कर लो सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, नोट कर लो। जैसे मान लो एक टेबल है, लेट अस टेक वन टेबल, एक एग्जांपल भी नोट, ये टेबल है और ये टेबल है और इस टेबल के चार पैर हो गए लाइक दिस। ये मेरे बेटे एक टेबल है, ये टेबल रखा हुआ है। अब इसके ऊपर आपने एक बुक रख दिया, सपोज करो आपने बुक रख लिया टेबल पे, लाइक दिस, ये बुक आपने रख दिया। अगर मैं बुक को सिस्टम मान लेता हूं, लेट अस टेक द बुक एज सिस्टम, बुक इज सिस्टम, तो बताओ टेबल क्या होगा? सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग। अर्थ क्या होगा? सराउंडिंग। उसके अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग होगा। हमने बुक को ही सिर्फ सिस्टम माना है, तो बुक के अलावा जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा सब उसका सराउंडिंग हो जाएगा, सराउंडिंग ही होगा। मैं क्या होऊंगा? मैं भी सब कुछ सराउंडिंग है ना, सन स्टार्स एवरीथिंग इज सराउंडिंग, दिस बुक इज सिस्टम, सो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम बुक इज सराउंडिंग। Considered as system. चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन जब बनाएंगे, क्वेश्चन में से सिस्टम दिया रहेगा, हम लोग सराउंडिंग डिसाइड करना है। जब सिस्टम दिया रहेगा तो डिसाइड क्या करना है, उसको छोड़कर सब कुछ सराउंडिंग। हाँ 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 यस सर। सराउंडिंग नहीं, सिस्टम ही डिसाइड करना है आपको। ओके सर। है ना, आपको सराउंडिंग तो अपने आप हो जाएगा। सराउंडिंग तो अपने आप हो जाएगा। चलो नोट करो इसको बेटा, नोट इट डाउन। यस समझो, इज दिस डन देव, क्लियर हुआ बेटे? सर ये डायग्राम नहीं बनाए। अच्छा बना लो, नहीं सुने थे डेफिनेशन। ओके आई विल एक्सप्लेन इट, है ना सौरभ, आपको क्लियर हुआ? यस सर। ओके चलिए देखिए, मयंक सर। चलो देखो देव, सुनो, सिस्टम और सराउंडिंग मैंने बताया, मैंने ये बताया कि हमने एक टेबल कंसिडर किया, वी हैव टेकन टेबल, दिस इज अ टेबल, टेबल इज केप्ट ऑन अर्थ, टेबल इज केप्ट ऑन अर्थ। हमने बुक को, टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, हमने बुक को सिस्टम माना, व्हाट इज आवर सिस्टम, बुक इज सिस्टम, सो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम बुक इज सराउंडिंग हियर, एज ओनली बुक इज कंसिडर्ड एज सिस्टम, ये मैंने बोला। टेबल क्या हो जाएगा? टेबल का सराउंडिंग हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ भी सराउंडिंग हो जाएगा, अर्थ भी आपका सराउंडिंग हो जाएगा, एवरीथिंग विल, इंटायर यूनिवर्स विल बी टेकन एज सराउंडिंग, ओनली बुक सिस्टम। लेकिन यहीं पे मेरे बच्चों, अगर मैं बुक और टेबल दोनों को सिस्टम ले लूं तो, If I take book and table both as system, then उसके अलावा बाकी सब सराउंडिंग हो जाएगा। और टेबल आपका सिस्टम हो जाएगा, बुक और टेबल को छोड़कर बाकी सब कुछ बाकी सब सराउंडिंग हो जाएगा। सराउंडिंग हो जाएगा, दैट्स गुड। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, आप सिस्टम और सराउंडिंग जानते हैं तो ये बात याद रखना है ना। मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो मोशन की बात करेंगे, रिएक्शन की कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन का सिस्टम है ना, कि किस जगह रिएक्शन हो रहा है, क्या है रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, वहां सिस्टम देखेंगे, है ना बेटे। चलो तो हर जगह सिस्टम एंड सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कम ऑन नोट इट डाउन।
चलो देखते हैं when we can start. When we can start the offline classes. काफी दिन हो गया है. Note it down. Yes, sir. हो गया. That's good. अब देखो बेटा, फोर्स का जो डेफिनेशन मैंने लिखाया है, जो फोर्स के बारे में समझाया, वो सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लेना है एकदम, है ना. सेम डे देखो आपका नहीं मिलेगा, समझे. पीछे का रिवीजन तो करना ही है रेगुलर बेसिस पे, और ये भी करना है ना, जो भी नए चैप्टर्स सब्जेक्ट में. तो इसीलिए जो भी आपका हो रहा है पूरा एफर्ट लगाओ. आपको काफी रिलैक्स हो गया, एग्जाम वगैरह आपने दिया, एग्जाम अच्छा रहा है आप लोग का. आई विल वेरी सून डिक्लेयर द रिजल्ट ऑल्सो. इट विल टेक वन वीक, मैक्सिमम वन वीक टू डिक्लेयर ऑल रिजल्ट. सब्जेक्टिव भी मुझे चेक करना है. ऑब्जेक्टिव तो हो चुका है चेक, बट रिजल्ट मैं एक ही साथ डिक्लेयर करूंगा. ऑब्जेक्टिव का मैं की भेज दूंगा, है ना, कल तक की भेज देता हूँ, ठीक है. उसको प्रॉपर फॉर्मेट बना करके भेज लीजिए. तो सिस्टम साउंडिंग आप समझ चुके हैं. नाउ लेट मी डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्सेज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम. टाइप्स जब भी हम क्लासिफाई करते हैं किसी बेसिस पे, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग. बेसिस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके. टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग. आइए देखिए तो टाइप्स ऑफ फोर्सेज में क्या है बेटा. ये वाला पार्ट हम लोग इस में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी दो तरह के होते हैं. रिएक्शन एंड एक्शन. एक होता है इंटरनल फोर्स, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, आफ्टर लॉज ऑफ मोशन. नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें पढ़ेंगे, है ना. ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको खत्म, जल्दी ही होगा ये भी. इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स. तो ये जो इंटरनल फोर्स है ये भी का होगा आपका, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बट यू हैव टू वेट फॉर वन चैप्टर फॉर दिस. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इससे डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर. और ये जो है ये आप यहां डिस्कस करेंगे, है ना. नो अबाउट दिस, कम ऑन, राइट इट डाउन, देन वी विल मूव टू दिस पार्ट. व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज इंटरनल फोर्स, इसको डिफाइन नहीं करेंगे, इसको डिफाइन अगले क्लास चैप्टर में करेंगे, नॉट क्लास. और ये हम लोग इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है, एक्शन रिएक्शन पे.
डन नोटेड डाउन यस सर सर एक मिनट हाँ करिए बेटा कम ऑन डू इट हो गया हो गया बताओ मयंक यस सर ओके देखो सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में आपने पढ़ा दो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन हुज मोशन वी आर स्टडीइंग कॉल्ड सिस्टम है ना या जिस पे फोर्सेस वगैरह देख रहे हैं वो सिस्टम हो गया जिसकी स्टडी कर रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स एज द नेम सजेस्ट एक्सटर्नल फोर्सेज ध्यान से देखना कुछ समझना ही मेन है अगर ये समझ गए तो फिर आगे बहुत ही आसान है वेक्टर ही है बेटा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब वेक्टर कोर्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है वेक्टर को सॉल्व करना ओके सो हियर आल्सो यू हैव टू मेक कमांड ऑन वेक्टर्स ओनली वेक्टर का इंपॉर्टेंस जो है बहुत है जानो वेक्टर को बार बार रिवाइज करो एक्सटर्नल फोर्सेज तो एक्सटर्नल फोर्सेज की हम बात कर रहे हैं व्हाट आर एक्सटर्नल फोर्सेज सो द एक्टिंग बिटवीन the system and surrounding example main dunga ek hi sath surrounding is called external force surrounding ke beech mein lagne wala force external kehlata hai samjha ओके सिस्टम सराउंडिंग तो लगा रहा हो या सराउंडिंग सिस्टम पे ध्यान से मेरी बातों पे फोकस करिए समझिए इसको सिस्टम और सराउंडिंग के बीच लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है सिस्टम सराउंडिंग पे फोर्स लगा रहा हो या सराउंडिंग सिस्टम पे लगा रहा हो तो इस केस में अब फोर्स कैसा होगा एक्सटर्नल होगा अब एक्सटर्नल में दो तरह के फोर्स है एक्शन और रिएक्शन एक्शन क्या होता है जानो अच्छे से याद कर लेना डिफाइंड है एक्शन The force applied by the force applied by the system on the surrounding the force applied by the system on the surrounding The force applied by the system on the surrounding. System जो surrounding लगाता है देखो ध्यान से relate करिए मैंने क्या लिखा यहां
द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ध्यान देना मेरे बच्चों, फोकस बनाओ, फोकस अपना. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में लगने वाले फोर्स को एक्सटर्नल कहते हैं. और उसमें भी जो फोर्स सिस्टम लगाता है सराउंडिंग पे, है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच लगा लो, सिस्टम सराउंडिंग पे लगाएगा, सराउंडिंग सिस्टम पे लगाएगा. तो जो फोर्स सिस्टम लगाता है सराउंडिंग पे, वो आपका कॉल्ड द फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्शन, इज कॉल्ड रिएक्शन. सराउंडिंग लगाता है सिस्टम पे. और दूसरा रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो. ऐसे रिएक्शन एक्शन नहीं कह सकते, समझा, ऐसे नहीं कह सकते कि एक्शन रिएक्शन क्या है जब तक सिस्टम सराउंडिंग ना डिसाइड कर ले, समझा, एक्सटर्नल इंटरनल. जब तक सिस्टम सराउंडिंग ना डिसाइड कर ले हम नहीं कह सकते हैं. तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिस्टम ने सराउंडिंग पे लगाया वो एक्शन है, और जो सराउंडिंग सिस्टम पे लगाएगा, हाँ जो सराउंडिंग लगाएगा सिस्टम पे वो रिएक्शन होगा. ध्यान देना, द फोर्स रिएक्शन, द फोर्स अप्लाइड बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड रिएक्शन, और रिएक्शन फोर्स कह सकते हो चाहो तो. एक्शन फोर्स, दोनों फोर्स ही, एक्शन रिएक्शन मीन्स फोर्स. ओके चलो, कम ऑन, नोट इट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल. डू इट. एक्शन रिएक्शन समझना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन पार्ट है. जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे एक्शन रिएक्शन समझ में नहीं आएगा. और पूरा खेल इस चैप्टर में एक्शन रिएक्शन का है. हो गया नोट, क्विक बेटा, जल्दी से हो गया. ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ. देखो अर्पित कर लिया बेटे? यस सर, नोट कर लिया. ओके चलिए, सो आई एम गोइंग टू रब इट नाउ. या रुको, रब नहीं करते, मैं एग्जाम्पल लेता हूं ऊपर. जैसे मैंने टेबल का एग्जाम्पल लिया था, ध्यान से देखो, मैंने टेबल का एग्जाम्पल लिया था, टेबल, बुक ऑन द टेबल. सो बुक ऑन द टेबल वाला एग्जाम्पल फिर से देखो. सो लेट्स फोकस ऑन बुक ऑन द टेबल एग्जाम्पल. So let me keep a book here. Like this. So this is the book. तो ये जो book है, अब यहां पर depend करता है कि मैं system और surrounding किसको मान रहा हूं. अगर मैंने, ध्यान से देखना, अगर मैंने बुक को मान लिया है, इफ द बुक इज टेकन एज सिस्टम, बुक इज आर सिस्टम, तो टेबल क्या होगा? अगर बुक सिस्टम है तो टेबल सराउंडिंग हो गया ना. तो बताओ बुक और अर्थ क्या हो गया, बताओ क्या हो गया? सराउंडिंग, सब सराउंडिंग हो गया. और अर्थ क्या हो गया? तो ये बताओ, टेबल पे बुक जो फोर्स लगाएगा, टेबल पे बुक जो फोर्स लगाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्शन या रिएक्शन? एक्शन, एक्शन, क्योंकि बुक क्या है, सिस्टम है, वो सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा है. हाँ, सिस्टम जो लगाएगा एक्शन कहलाएगा. यानी कि टेबल ने अगर बुक पे फोर्स लगाया
क्या बोलो, टेबल बुक पे फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? लगा रहा है सर। लगा रहा है ना? आप जरा सोचो, टेबल पे जरा अपना हाथ लीजिए और हाथ पे बुक को रखिए। When you keep the book on your hand, what you will feel? The force of the book. अगर फील ना हो तो एक काम करना, थोड़ा भारी सा कुछ भारी सा बॉक्स उठा लेना या पूरा एक स्कूल बैग में भर के फिर उठाना, फिर बताओ कि फील हो रहा है फोर्स? बहुत हो रहा है ना? फिर ना हो तो भाई बहुत भारी भारी जो वो ब्रीफकेस वगैरह होता है ना, डंबल हो या जो भी है, बेड उठा लेना भाई, बेड है ना, पता चलेगा फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो ऑब्वियसली यू विल बी फीलिंग द फोर्स। सो बेसिकली यू विल फोर्स लगाने के लिए हाथ नहीं बचेगा। चलो बिल्कुल, तो ऐसा एग्जांपल लेना नहीं है, पता चला आपने डैमेज कर लिया हाथ और फिर क्लेम मेरे ऊपर आएगा है ना, सर ने इंस्ट्रक्ट किया था, तो ऐसा नहीं करना है, बस फील कराना था। तो बेसिकली फील हो रहा है फोर्स। तो क्या हो रहा है कि इसने देखो, हाथ का सरफेस है, ध्यान से देखो, हाथ का एक सरफेस है ये सरफेस, और बुक का ये सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, हाथ लगा रहा है बुक पे, बुक लगा रहा है हाथ पे, तो एक्शन रिएक्शन है, ग्रेविटी को कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से सुनो, हाथ लगा रहा है बुक पे, बुक लगा रहा है हाथ पे, ग्रेविटी क्या है वो बात की बात करेंगे, पहले इसको समझो, नॉर्मल है ना, एक्शन रिएक्शन की प्रॉपर्टी में लिखाऊंगा तो आप जानेंगे कि हाथ ने बुक लगाया नॉर्मल फोर्स और बुक ने हाथ पे लगाया नॉर्मल फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या है, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, तो बुक को आपने सिस्टम माना था और ये टेबल है मान लो, तो बुक को सिस्टम माना था, तो सिस्टम ने जो टेबल पे फोर्स लगाया, मीन सराउंडिंग पे लगाया, सराउंडिंग पे किधर लगाया, नीचे, आपके हाथ पे फोर्स किधर लगाएगा, नीचे लगाएगा, नीचे लगाएगा, हाथ बुक पे किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा, ऊपर लगाएगा, हाथ जो है बुक पे ऊपर लगाएगा और बुक जो हाथ पे लगाएगा नीचे, मीन्स टेबल को, अगर ये टेबल है तो टेबल पे बुक ने नीचे की ओर फोर्स लगाया और टेबल ने बुक पे ऊपर फोर्स लगाया, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, समझा, ये दोनों एक्शन पेयर हैं और दोनों एक्सटर्नल हैं, दोनों ही एक्सटर्नल हैं, एक क्या है बुक ने जो मेरे हाथ पे फोर्स लगाया या बुक ने जो टेबल पे फोर्स लगाया दैट इज एक्शन, और मेरे हाथ ने जो बुक के ऊपर फोर्स लगाया है दैट इज एक्शन। इज दैट क्लियर? बताइए सर, ऑन द होल बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, दोनों एक्सटर्नल है और दोनों अलग अलग, हाँ यस सर, और दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, एक्शन रिएक्शन दोनों अलग बॉडी पे लग रहे हैं, एक्शन किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, अप्लाइड बाय द सिस्टम, लग किस पे रहा है, ऑन द टेबल पे लग रहा है, सराउंडिंग अप्लाई कर रहा है सिस्टम, ऑन द, ऑन का मतलब किस पे लग रहा है, ऑन द सराउंडिंग, तो यहाँ लग रहा है एक्शन, ओके, एंड फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग, ऑन द किस पे, सिस्टम, सिस्टम पे लगा रहा है सराउंडिंग, सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग होता है और जो सराउंडिंग पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है बाय द सिस्टम वो एक्शन होता है। ये बात दोनों सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो ये दोनों बात सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, अभी इतना आसान नहीं है ये। हाँ बोलो सर, तो सिस्टम कोई दो ऑब्जेक्ट को ही मान सकते हैं ना? हाँ अभी मैं वैसे भी एग्जांपल लूंगा, पहले ये एग्जांपल क्लियर हुआ? बोलो जी सर। हाँ पहले इसको करो, कम ऑन यहां तक की बातों को नोट करिए, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल लेंगे है ना, पूरा खेल ही इसी का है, सिस्टम सराउंडिंग का ही पूरा खेल है। सौरभ बेटा, डिड यू गेट दिस? यस सर। ओके, अच्छे से नोट्स वगैरह पूरा प्रिपेयर करिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए, this one I'm going to rub, you all have noted it,
टेबल ऑन द बुक इज रिएक्शन, बुक ऑन द टेबल एक्शन हो गया, टेबल ऑन द बुक रिएक्शन हो गया, क्योंकि टेबल सराउंडिंग है और बुक सिस्टम है. कम ऑन डू इट. अब आगे एग्जांपल लेने से पहले मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन फिर से मैं इस टेबल बुक वाले जो है ना बुक ऑन द टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं फिर से एज ए कंसिडर करूंगा. उससे पहले मैं एक्शन रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं. Noted, beta? Done? Yes, sir. Okay, that's fine. Properties of action and reaction. Properties of action and reaction. पहले नंबर पे लिखो. The action reaction pair. Pair की बात कर रहे हैं. Action reaction. एक कोई action उसी का reaction. R always of same nature or always ko chhod do or forces of same nature aise kar do forces of same nature the action reaction pair are forces of same nature. Dusra number properties of action and reaction ka the action reaction pair are forces of same nature. दूसरे नंबर पे सेम नेचर इसका मतलब क्या हुआ देखो जैसे आपने देखा था एक्शन एक नॉर्मल फोर्स था तो रिएक्शन भी नॉर्मल ही होगा. समझा जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन. अगर एक्शन फ्रिक्शन है तो उसका रिएक्शन भी फ्रिक्शन होगा. समझ रहे हो. हाँ अगर एक्शन ग्रेविटेशन है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल है ना. अगर एक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा. समझ रहे हो. हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर आर फोर्सेज ऑफ सेम नेचर. कभी पढ़ते ही रहोगे बस दिमाग में ये पॉइंट बैठाओ है ना. द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज ऑफ हाँ बोलो. जैसे अगर कोई आदमी चल रहा है तो वो फ्रिक्शन थोड़ी ना लगाता है रोड पे. सब करता है वो मैं सिखाऊंगा. सब करता है जब फ्रिक्शन आएगा तब बात करेंगे है ना. बिना फ्रिक्शन के थोड़ी चलता है ना बेटे. सो यू विल नो अबाउट दैट विद इन फ्यू क्लासेस डोंट वरी. आई थिंक बाय द नेक्स्ट वीक यू विल नो एवरीथिंग. द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज ऑफ एन एक्शन रिएक्शन पेयर है ना. एक्शन रिएक्शन पेयर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज ऑफ एन एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन That is at 180 degree.
एक्शन इधर होगा तो रिएक्शन इधर होगा, एक्शन इधर होगा तो रिएक्शन इधर होगा, एक्शन इधर होगा रिएक्शन नीचे होगा, है ना। एक्शन रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होते हैं। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, एंड न्यूटन थर्ड तीसरा नंबर पे एक्शन एंड यही तो न्यूटन थर्ड लॉ इसी से तो आता है ना। ये सारा कंक्लूजन न्यूटन थर्ड लॉ, तो यहाँ के बाद हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पे ही आ जाएंगे। एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्सेस ऑफ एन एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखना है, इक्वल ही होगा। किसी भी कारण से अगर आपको लग रहा है कि इक्वल नहीं होगा तो वो कारण गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको लग रहा है या सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं एक्शन रिएक्शन यहां तो बराबर नहीं आ रहा सर, इसका मतलब है कि कहीं कॉन्सेप्ट में मिसिंग है, कहीं तो आपने मिस्टेक जरूर किया है तभी बराबर नहीं आ रहा है, वरना आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो। यस सर। हाँ, दिमाग में बैठा लो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज ऑफ एन एक्शन रिएक्शन पेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर ऑफ सेम नेचर, है ना। और देखो, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। हाँ, क्या आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड वाला पॉइंट तो ऑलवेज है ना, सारे पॉइंट ऑलवेज हैं। ओके सर, सारे पॉइंट प्रॉपर्टीज है ना उनकी, क्या सेकंड पॉइंट ऑलवेज नहीं है? एक्शन रिएक्शन हमेशा 180 डिग्री पे है, फर्स्ट भी ऑलवेज है, सेकंड है, सब ऑलवेज है। हाँ, यस सर। एक्शन एंड रिएक्शन एक्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लगते हैं, है ना। एक्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लगते हैं, समझे। ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले और रिएक्शन बाद में, या एक्शन रिएक्शन पहले, दोनों साथ में लगते हैं, समझा। बिल्कुल साथ में एक्शन लगेगा, रिएक्शन लगना ही लगना है, रिएक्शन लगेगा, एक्शन लगना ही लगना है, आगे पीछे कोई 0.00001 सेकंड का भी गैप नहीं होता, साथ में लगते हैं। जब तक एक्शन लग रहा है तब तक ही रिएक्शन लगेगा, एक्शन लगना बंद, रिएक्शन लगना बंद, रिएक्शन लगना बंद, एक लगेगा दूसरा भी लगेगा, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली, बट दे ऑलवेज एक्ट act on different body जरा सोचो, एक्शन किस पे लगता है? सराउंडिंग पे लगता है, सिस्टम लगाता है सराउंडिंग, और रिएक्शन किस पे लगता है? सराउंडिंग लगाता है, सिस्टम पे लगाता है। तो एक्शन लगता है सराउंडिंग पे और रिएक्शन लगता है सिस्टम पे, इट मींस दे विल ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक साथ सेम बॉडी पे, सिस्टम पे एक्शन रिएक्शन दोनों कभी नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते? कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, सराउंडिंग जो सिस्टम पे लगाएगा उसी को एक्शन कहते हैं, और सिस्टम जो सराउंडिंग पे लगाएगा वो सॉरी सराउंडिंग जो सिस्टम पे लगाएगा उसको रिएक्शन कहते हैं, और सिस्टम जो सराउंडिंग पे लगाएगा उसको एक्शन कहते हैं। तो फिर एक बॉडी पे कैसे लग सकता है? बिल्कुल नहीं लग सकता है, बाय डेफिनेशन ही वो एक बॉडी पे नहीं लग सकता है। इस बात को ध्यान रखोगे बेटा, कम ऑन। सो दीज आर दीज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कम ऑन, राइट इट डाउन। हो गया, सारी बस हो गया, सब सारी बातें बता दी एक्शन रिएक्शन के बारे में, है ना। चलो नोट करो, है ना। यानी कि ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया,
पूरा नहीं, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका ये मतलब होता है, समझा? बोलो सुजल। यस सर। अब एक्शन रिएक्शन कुछ गया दिमाग में? यस सर। हाँ, इसलिए मैंने बेटा बोला था कि एक्शन रिएक्शन पे बात जब करेंगे तब आप समझेंगे क्या होता है। ओके, तो इन बातों को ध्यान रखना है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ द न्यूटन्स ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? सर आप ये बताओगे क्या सर? हाँ बोलो। क्या ना बुक है ना टेबल पे फोर्स कैसे लगाता है? सब बताएंगे, है ना, अभी पूरा चैप्टर ही वही है, सब बताएंगे, डोंट वरी। वो खुद ही मैं बताऊंगा आपको, जो आपका ये क्वेश्चन है ऑटोमेटिक इस सीक्वेंस में आ जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ेंगे। अभी तो थोड़ा टाइम वहां तक पहुंचने में है ना, चलो वो सब बताएंगे। बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेज क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस बेसिक टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज क्या होते हैं? देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स। ये होते हैं, इन चारों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीक फोर्स, नाम है उसका वीक फोर्स लेकिन वो है बहुत स्ट्रॉन्ग, है ना। चलो तो ये जो है इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड इन एससी वर्मा देयर इज अ चैप्टर आल्सो ऑन दिस वन, दीज फोर्सेज, कंप्लीट चैप्टर है उस पे, है ना, वो भी आप पढ़ोगे। आप लोगों का जो भी बुक्स वगैरह बुक्स आ चुका है जो आपको अभी करेंटली पढ़ना होगा, कुछ लाने हैं प्रैक्टिस के लिए, आई हैव ऑर्डर्ड देम, दे विल कम। आप लोग जो है कलेक्ट करो, है ना, दोज हु आर एट दिल्ली दे कैन कलेक्ट द बुक्स, and those who are not here should try to come as soon as possible. देखो हो गया बेटा, दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन है क्या? लॉकडाउन अब क्या है, मतलब स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद है बस, बाकी तो सब खुला है ना। चलो देखो ये समझ गया? Yes, sir. आप आओगे भी तो अभी जब तक अलाउ होता है तब तक तो ऑनलाइन ही पढ़ोगे, यहाँ भी ऑनलाइन ही पढ़ोगे, बट यू विल बी गेटिंग द असिस्टेंस मटेरियल्स एंड एवरीथिंग, है ना, सम एडिशनल बेनिफिट विल बी देयर। चलो अब उसको प्लान करना पड़ेगा कैसे करना है। चलो ये हो गया। अच्छा स्कूल वाला काम पहले जल्दी से करके भेजो आप लोग, है ना, जो जो मैंने लिस्ट भेजा था ना, मैं ये लिस्ट फिर से रीसेंड करूंगा सभी को, सौरभ आप भी, ओके, स्कूल वाला काम भेजिए फटाफट, ओके, उसको कुरियर वगैरह जो है स्पीड पोस्ट या कुरियर पूरा मटेरियल करिए जो एड्रेस मैंने भेजा है उसको, ओके, और जो यहाँ है दे शुड अरेंज द डॉक्यूमेंट्स और उसका बुक कलेक्शन के लिए जब भी उनके वो मुझे सबमिट कर दें, सो मैं उसको प्रोसीड करवाता हूँ जो भी चीज है। स्कूल से भी बार बार आ रहा है कि जल्दी से करवा लीजिए। चलो हो गया यहाँ तक, डन? यस सर। ओके दैट्स फाइन। चलिए 5 मिनट और देखते हैं बेटा। सो इन्हीं के बेसिस पे, एक्शन रिएक्शन के बेसिस पे, अभी और भी एक्शन रिएक्शन, पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिख लो, मतलब तो मैंने समझा ही दिया थर्ड लॉ का, और यहां से आप देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड बाद में पढ़ेंगे, पहले थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस लॉ टॉक्स अबाउट एक्शन रिएक्शन, व्हाट डज इट सेज, टू द एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reactions. सर इसका एक और स्टेटमेंट है, सेम ही है। हाँ बोलिए। सर means whenever a body applies force on the other body also applies force on the first body, which is equal in magnitude and opposite in direction. बिल्कुल बिल्कुल, एक को सिस्टम मानोगे दूसरे को सराउंडिंग मानोगे। Yes. है ना, बिल्कुल सही बात है ना,
तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे के और भी अभी लिखेंगे एंड रिएक्शन एक्स साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली बट आप बिना सिस्टम सराउंडिंग के नहीं कह सकती कि एक्शन रिएक्शन क्या है ना. तो चूंकि आपने सिस्टम सराउंडिंग के बारे में डिटेल में वहां पर नहीं पढ़ा था तो आप एक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते है ना कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है. लेकिन अब आप कर सकते हैं है ना. अब आपका सिस्टम सराउंडिंग क्या है तो सिस्टम सराउंडिंग हम प्रॉब्लम सॉल्वर ही तो डिसाइड करेंगे फिर डिसाइड होगा. एक्शन रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन एक्स साइमल्टेनियसली है ना. ये हो गया एक्शन एक्स ऑन ऑन सराउंडिंग एंड द रिएक्शन एक्स ऑन सिस्टम. चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आज तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एग्जांपल लेके इसको और समझाऊंगा. ओके सिस्टम चेंज करूंगा बुक बुक की जगह को सिस्टम ले लेंगे दूसरे तरह का भी सिस्टम देखेंगे बुक ऑन द टेबल के अलावा भी और एग्जांपल्स देखेंगे. सो वी विल डू दैट एंड वी विल स्टडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. दो सिस्टम एक सराउंडिंग वाला. दो सिस्टम नहीं सिस्टम में दो तीन बॉडी हो ऐसा देखेंगे बॉडी को. अच्छा ना उस तरह से सिस्टम तो एक ही कहोगे उसको. दो अलग अलग सिस्टम तो दो अलग अलग सिस्टम भी अलग हो गया. सिस्टम एक ही बोलेंगे लेकिन उसमें बॉडी हम लोग बहुत ले सकते दो तीन चार. एक ही सिस्टम है बहुत सारा. जैसे मैंने पूरे सोलर सिस्टम को सिस्टम मान लिया तो सन अर्थ मार्स मून जुपिटर सैटर्न सब आपका सिस्टम का पार्ट हो गया. सिस्टम का पार्ट हो गया यस है ना. वो चीज है सन और अर्थ का पार्ट बहुत सारा ले सकते हैं. हाँ वो चीज है. चलो नोट कर लिया. यस ओके चलो. अच्छा देखो सुजल आपने एक क्वेश्चन पूछा था मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक और क्वेश्चन पूछा था अगले क्लास में कर देंगे ठीक है. वेयर इज योर नंबर लेट मी चेक. सिंपल सा है ध्यान अभी कोई एक मिनट लेट मी